दोस्तों नमस्कार, ऑटोमोबाइल ब्रदर्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप एक लैंड रोवर कार को चाहने वाले हैं तो आपको एक जल्द तोहफा मिल सकता है। जी हां दोस्तों, कंपनी एक कम कीमत वाली एसयूवी कार तैयार कर रही है जिसे टाटा हैरियर के प्लेटफार्म पर बनाया जाएगा। टाटा हैरियर ओमेगा आर्क पर तैयार की गई है। यह एक कम कीमत वाला प्लेटफार्म है जिसे कंपनी ने जैगुआर लैंड रोवर के D8 प्लेटफार्म पर काम करके बनाया है। हैरियर एक 5 सीटर एसयूवी कार है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इस कार के प्लेटफार्म पर तैयार की जा रही है 7 सीटर एसयूवी कार। जैसा कि आपने टाटा बजट देखी थी वैसे ही कुछ इसका लुक होने वाला है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि कुछ महीने पहले हमने अपने चैनल पर एक टाटा बजट से रिलेटेड वीडियो डाली थी जिस पर 1 लाख प्लस व्यूज आए थे और उस वीडियो की थंबनेल स्क्रीन पर शो हो रही है। अगर आप चाहें तो उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे। और उनमें से कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि यह फेक न्यूज़ है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह फेक न्यूज़ नहीं है, क्योंकि टाटा जो बजट थी उसे जिनेवा मोटर शो में पेश किया गया था और उसी को नाम चेंज करके अब टाटा ग्रेविटास के नाम से लॉन्च करने वाली है और उसकी ऑफिशियल टेस्टिंग भी हो चुकी है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वो कोई फेक न्यूज नहीं थी। और बहुत ही जल्द दोस्तों हम आपके लिए एक टाटा ग्रेविटास की वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि उस वीडियो को हम जब भी अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपनी वीडियो में आगे। दोस्तों आपको बता दें, लैंड रोवर की इस नई एसयूवी का अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है। फिलहाल में इसको एक कोड नेम दिया गया है जो है L860 और यह फीचर्स के मामले में डिस्कवरी स्पोर्ट से थोड़ी कमतर होगी क्योंकि ये थोड़ी लो बजट कार है और डिफेंडर कॉन्सेप्ट D100 पर आधारित यह कार उसी की तरह बॉक्सी शेप में नहीं होगी और यह नई एसयूवी 2021 तक लॉन्च होगी। और आपको बता दें कि इस नई कार में 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज मिड हाइब्रिड इंजन मिलेगा। शुरुआत में यह फ्रंट व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट ही होगा। और आपको बता दें कंपनी इस कार को पहले सिर्फ ब्रिटेन में ही लॉन्च करेगी जहां पर इसकी कीमत 25,000 यूरो होगी, लगभग 20 लाख रुपए जो होता है इंडियन रुपीज में। और उसके बाद 2021 तक ये इंडिया में भी आ जाएगी। तो अब उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इस कार को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई तुरंत जरूर देंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम आपसे किसी एक नई और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।